सीरीज चला रहे भाई। दिस इज 2012 मॉडल, ऑटोमेटिक है ये, एस वेरिएंट, ओके, विदाउट सनरूफ वाली। तो अपन देखेंगे इसका पूरा सर्विस मेंटेनेंस क्या रहता एंड माइलेज का बात अपन आखिरी में करेंगे। यहाँ गाइज, बिफोर गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, वी कीप पोस्टिंग बेस्ट यूज्ड कार डील्स इन हैदराबाद। चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो गाइज, आज अपन सिविक चला रहे हैं। दिस पर्टिकुलर बेबी इज 2012 मॉडल, तो फेसलिफ्ट उसका आया था 2009 के बाद। तो होंडा सिविक के अपने मार्केट में कंपटीटर्स कौन कौन हो गए बोले तो टोयोटा की करोला हो गई, हुंडई की जो वरना हो गई, जो जो मिड साइज यू नो सेडान है इंडिया में, तो वो सेगमेंट में आती है गाड़ी। एंड यार गाइज, इफ यू लुकिंग फॉर अ यू नो होंडा सिविक इन द यूज कार मार्केट, लिसन टू मी केयरफुली। अनफॉर्चुनेटली जो सिविक का जो इंजन है R18 इंजन, 2006 से लेके 2009 में इंजन ब्लॉक इश्यूज थे। यू विल नॉट नोटिस दिस, मतलब पहले ही नोटिस नहीं करते आप आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ माइलेज, जैसे 1 lakh 1 lakh 40 thousand ड्रिवन, उसके बाद यू नोटिस इश्यूज इन द इंजन। सो अवॉइड कार्स मेड फ्रॉम 2006 टू 2009। अनफॉर्चुनेटली 2009 के बाद इंजन इश्यूज नहीं है, तो 2012 तक आई थी शेप। एंड या गाइज, यू नो नी नॉट गो टू द कंपनी फॉर सर्विसिंग, अपने पास आ सकते हैं आप सर्विसिंग के लिए। एंड ऑल्सो पार्ट्स एंड सर्विस अपने पास रहता, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्ट्स आपका मिसप्लेस हो गया या ख़राब हो गया, हम आपको करके देते, सो कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एंड गाइज, एज आई ऑलवेज से, नो कार इज़ मेंटेनेंस फ्री, बी दैट होंडा, बी दैट वोल्वो, बी दैट BMW, बी दैट एनी अदर ब्रांड, नो कार इज़ मेंटेनेंस फ्री। एंड ऑफ द डे यू हैव टू यू नो ऑयल पानी देता रहना पड़ता गाड़ी को फॉर इट्स लॉन्ग लाइफ। चलो इसके सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे अभी। चलो बैक, अपन होंडा सिविक चला के आए अभी, तो लेट्स स्टार्ट विद का जनरल सर्विस, ठीक है? सो फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 4,000 रुपीज भाई। आपका इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉप अप, जो भी होता 4,000 रुपीज में होता फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर, ओके। नाउ कमिंग टू इसका ब्रेक पैड, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड विल कॉस्ट यू अराउंड 2,200 रुपीज भाई। आपका आगे का ब्रेक पैड सेट अलग रहता, पीछे का ब्रेक पैड सेट अलग रहता, तो ईच न्यू ब्रेक पैड विल कॉस्ट यू अराउंड 2,200 रुपीज, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसका टायर साइज 195/65 R15 इंचेस के टायर चाहिए, तो ईच न्यू टायर विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज भाई, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आप ले रहे, थोड़ा ऊपर नीचे होता 200-300 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मिशलिन हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, योकोहामा हो गया, तो ईच न्यू टायर विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज, ओके। नाउ लास्टली कमिंग टू इसका बैटरी, 45 amp hour की बैटरी चलती है इसमें, तो एक्साइड ले रहे, एमरन ले रहे, 5,000 रुपीज की बैटरी है भाई, ठीक है, 5,000 रुपए की आपकी बैटरी आती 45 एम्प आवर की, ओके। सो यार गाइस, दैट वाज द मेंटेनेंस। नाउ कमिंग टू द माइलेज, देखो भाई सिटी में आपको आराम से 8-9 का एवरेज मिल जाता, एंड हाईवे पे आप इफ यू जेंटली क्रूजिंग आपको 12-13 का मिल सकता है, इफ यू जेंटली क्रूजिंग, ओके। एंड यार गाइस, इफ यू लुकिंग फॉर अ यूज्ड होंडा सिविक इन द यूज्ड कार मार्केट, कम टेक अ लुक एट द कार, बहुत कम चली हुई गाड़ी है ये, 60,000 चली हुई है, पूरी कंपनी मेंटेन्ड है भाई गाड़ी, एंड ऑटोमेटिक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट द क्लच, आपको जो ट्रैफिक में यू नो मुश्किल होती। सो लुकिंग फॉर अ यू नो चीप लग्जरी सेडान इन द यूज कार मार्केट, आपको एक ऑटोमेटिक सेडान होना, कम टेक अ लुक एट द कार। एंड यार गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। चलो सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, चीयर्स, यो।